क्या ये जजेस को शर्म नहीं आती जब इनको कोर्ट के अंदर जो वकील है या लोग हैं वो माय लॉर्ड करके एड्रेस करते हैं। वेलकम टू इंडिया रिफॉर्म्स, जुडिशियल रिफॉर्म्स। मैं डॉक्टर कपिल कक्कर आपका आज नए वीडियो में स्वागत करता हूं। बिफोर आई स्टार्ट दिस वीडियो, आई विल अगेन लाइक टू रिक्वेस्ट यू काइंडली शेयर इट फार एंड वाइड। लेट पीपल ऑफ दिस कंट्री अवेकन नॉट ओनली अबाउट देयर राइट्स बट ऑल्सो स्टार्ट प्रोटेस्टिंग हाउ जुडिशरी इन दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इज वर्किंग एंड वी नीड टू टेक स्टैंड्स टूडे। सो काइंडली शेयर इट फार एंड वाइड एंड प्लीज डोंट वेट, थिंग्स विल नॉट चेंज बाय देमसेल्व्स। हम लोग को चेंज करवानी पड़ेंगी, ये आप याद रखिए। तो आज के वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा कि क्या ये जजेस को एम्बैरेसमेंट नहीं होती, क्या ये जजेस को शर्म नहीं आती जब इनको कोर्ट के अंदर जो वकील है या लोग हैं वो माय लॉर्ड करके एड्रेस करते हैं। इनको अंदर कुछ होता नहीं होगा कि यार ये मुझे माय लॉर्ड बोल रहे हैं, मैं वही आदमी हूँ, इनकी तरह खाता हूँ, इनकी तरह निकालता हूँ, इनकी तरह सारा काम करता हूं और यहाँ पे मैं माय लॉर्ड। और ये जो माय लॉर्ड वाला कॉन्सेप्ट है उसको इन्होंने इतना सीरियसली ले लिया है कि माय लॉर्ड की जो नेगेटिव चीजें हैं वो तो इन्होंने बहुत अच्छी तरह पकड़ ली है और उस वजह से ये लोग किसी की सुनते नहीं है, ये लोग अपनी चलाते हैं, ये अपने हिसाब से कोर्ट्स को चलाते हैं, अपने हिसाब से ऑर्डर पास करते हैं चाहे वो कितने ही गलत ऑर्डर्स क्यों ना हो। क्यों? क्योंकि इनको माय लॉर्ड वकीलों को भी इनको चलाना होता है, योर लॉर्ड, तो उससे इनकी ईगो ऊपर कर दी है। दूसरी बात, इनमें एक ग्रैंडियोस इमेज आ गई है कि भाई हम लोग तो बहुत ही कुछ महान लोग हैं। तीसरा, इनके अंदर वो घमंड आ गया है जिस तरह से इनको कुर्सियां दे दी जाती हैं, जिस तरह इनको बंगलो दे दिए जाते हैं, जिस तरह इनका ख्याल रखा जाता है कि जैसे ये वाकई में कहीं के लॉर्ड हैं। बट अगर इन लोगों को लॉर्ड बनना भी है तो इनको नेगेटिव चीजें तो इन्होंने बहुत जल्दी लॉर्ड्स की पकड़ ली, जैसे ईगो हो गया, ग्रैंडियोस इमेज हो गया, सेल्फ राइटियस एटीट्यूड हो गया, किसी की ना सुनना हो गया, वो तो इन्होंने पकड़ ली। इनको ये पता है माय लॉर्ड, लॉर्ड का क्या मतलब होता है? लॉर्ड का वो मतलब होता है अ पर्सन हु इज काइंड हार्टेड, अ पर्सन हु इज हम्बल, अ पर्सन हु इज डाउन टू अर्थ, अ पर्सन हु इज पोलाइट, अ पर्सन हु इज अ गुड लिसनर, अ पर्सन हु इज सेंसिटिव टू व्हाट पीपल आर ट्राइंग टू से। दिस इज व्हाट अ लॉर्ड इज एंड देन दे पास देयर जजमेंट्स। ये तो ब्रिटिशर्स लॉर्ड्स 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 बना गए। अगर आप कहीं बाहर कंट्रीज में आप देखेंगे ना, उनको कोई माय लॉर्ड बोलता है और वो लोग तो उल्टा लोगों को, जो लोग जेल में भी होते हैं, बेल के लिए भी आते हैं, उनको भी सर 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 करके एड्रेस करते हैं। और यहाँ पे आप लोगों ने, हम लोगों ने इन चिंपैंजीज को बना दिया है माय लॉर्ड। चाहे लोअर कोर्ट में चले जाए और वो सुप्रीम कोर्ट में तो आप भूल ही जाइए, वहां तो लॉयर्स लॉर्ड ज्यादा बोलते हैं और अपनी दलील कम देते हैं। तो ये किस तरह से चल रहा है हमारा जुडिशरी सिस्टम? क्या रिफॉर्म्स नहीं होने चाहिए? क्या ये वर्ड लॉर्ड्स, मैंने इसके ऊपर क्या पहले बनाया था कि लॉर्ड्स वर्ड स्ट्राइक ऑफ होना चाहिए, बट ये मैं वीडियो बना रहा हूं कि ये जजेस को खुद की शर्म आती, इतने बड़े बड़े ये लोग ऑर्डर, सो कॉल्ड बड़े बड़े ऑर्डर पास कर देते हैं, भाई अब से ये वाली चीज नहीं होनी चाहिए, ये होनी चाहिए, ये अपने ऊपर ही एक ऑर्डर पास कर दें कि नो बडी इज गोइंग टू एड्रेस अस बाय लॉर्ड। मेरे ख्याल से इन्होंने कि लोअर कोर्ट वगैरह में उस तरह की जजमेंट एक आध ऑब्जर्वेशन पास करी, वो जजमेंट भी नहीं, ऑब्जर्वेशन ऑब्वियसली है, तो ये वाली चीज इनको हर जगह लाए तो भैया प्लीज डोंट कॉल अस लॉर्ड। और साथ में जो मैंने क्वालिटीज बनाई, बींग काइंड, बींग सेंसिटिव, बींग गुड लिसनर, बींग एक्सेसिबल, मतलब ये जो इनको जिस कुर्सी पे बिठाया है ये चीजें इनको समझ आनी चाहिए। ये जब तक नहीं आएंगी आप तब तक इनको लॉर्ड बोलोगे, तो जो मैंने इनकी नेगेटिव चीजें बताई, ईगोइस्ट, ईगोटिस्ट और अपने आप को सेल्फ राइटियस एटीट्यूड से चलना और ग्रैंडियोस इमेज कि भाई मैं हूं, नहीं तो ये उस भूल भुलैया में, उस काउ वेब में, उस वेब के अंदर ये घूमते रहेंगे और जुडिशरी, लॉ, जजमेंट्स, ऑर्डर्स सब को खराब करते रहेंगे, क्योंकि इनके पास
अथॉरिटी तो दे दी गई है, रिस्पॉन्सिबिलिटी जीरो है। आपको पता है जहां अथॉरिटी 100% और रिस्पॉन्सिबिलिटी जीरो, वहां पे यही हाल होता है, क्योंकि अथॉरिटी आपने दी है इनको, पर रिस्पॉन्सिबिलिटी का क्या मतलब है, इनकी अकाउंटेबिलिटी नहीं है रिस्पॉन्सिबिलिटी पे, सो इट इज एज गुड एज दे डोंट हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो काइंडली शेयर इन फार एंड वाइड, लेट पीपल नो दैट वी नीड, ऑब्वियसली दे नो वी नीड जुडिशियल रिफॉर्म्स, एंड सी वी आर होपफुल दैट वन डे सूनर देन लेटर वी गेट वन। इफ यू लाइक दिस वीडियो kindly share it once again. Thank you so much.